रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ दौरा है आज, और मुख्यमंत्री कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुआ है। आज हनुमानगढ़ में रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और कल श्रीगंगानगर के गुरुद्वारा बुड्ढा जोहर दर्शन करने जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह 10 बजे डाबला रायसिंह नगर पहुंचेंगे, और गहलोत कल सुबह 11 बजे सूरतगढ़ से जयपुर के लिए रवाना होंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ दौरे में थोड़ा बदलाव हुआ है, और सुबह 10 बजे डाबला रायसिंह नगर पहुंचेंगे गहलोत, और 11 बजे सूरतगढ़ से जयपुर के लिए रवाना होंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ जुड़े हुए। दिनेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुआ है, पूरी जानकारी दें एक बार। देखिए, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, और वहां पर PCC गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश कांग्रेस के जो प्रभारी है सुखविंदर सिंह रंधावा, वो भी कल पंजाब से मुख्यमंत्री के साथ श्रीगंगानगर पहुंचे थे। और आज श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संगठन को लेकर जो हाथ से हाथ जोड़ अभियान शुरू होगा, उनकी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठकें लेने का कार्यक्रम है। तो पहले श्रीगंगानगर में ये बैठक चल रही है फिलहाल, और इसके बाद 3 बजे हनुमानगढ़ में एक बैठक लेंगे, धान मंडी में ये बैठक होगी। और उसके बाद, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो प्रस्तावित कार्यक्रम था वो आज जयपुर पहुंचने का था, उसमें कुछ बदलाव हुआ है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हनुमानगढ़ में ही रात्रि विश्राम करेंगे, और कल उनका बुड्ढा जोहर जाने का कार्यक्रम है। तो सुबह 10 बजे वो डाबला रायसिंह नगर पहुंचेंगे, और वहां पर गुरुद्वारा बाबा बुड्ढा जोहर दर्शन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे, और उनके साथ प्रदेश कांग्रेस के जो प्रभारी हैं सुखविंदर सिंह रंधावा, वो भी वहां पर दर्शन करेंगे। PCC गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ रहेंगे, और कल 11 बजे जयपुर के लिए फिर रवाना होंगे। इस तरह से उनके कार्यक्रम में ये बदलाव हुआ है। शिक्षक, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश। तो ये थे दिनेश कसाना, जो पूरी जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ दौरे में कुछ बदलाव हुआ है, और जहां मुख्यमंत्री को आज जयपुर पहुंचना था, अब वह कल जयपुर पहुंचेंगे। और उपभोक्ता को हमने 50 यूनिट फ्री कर, और 150 यूनिट के 3 रुपए कम कर दिए, 300 रुपए 2 रुपए कम कर दिए। अब खुशी होगी 38 लाख उपभोक्ताओं में बिल जीरो आ रहा है, बिजली का बिल जीरो। प्रयास किया है कि ऐसे वक्त में जब तकलीफ है, मैंने बहुत भयंकर है, तो हम क्या कर सकते हैं। अभी मैंने एक बहुत घटना करी है, 1 अप्रैल से राजस्थान में गरीबों को सिलेंडर जो है 1040 का हो गया, 400 के बाद है। मैंने कहा वो सिलेंडर में 500 रुपए में दूंगा हर गरीब आदमी। गाँव के संग 10 लाख पट्टे मिले, अधिक मिले 10 लाख से भी गाँव के अंदर, 5-6 लाख मिले शहरों के अंदर, और अज्ञान जा रही है। कोशिश करें इसको सदन दे, आपको गुड गवर्नेंस दे, गुड गवर्नेंस कैसी हो, विश्वास दिया आपने कांग्रेस पर, तो मेरा धर्म बनता है कि मैं कहकर आप लोगों की सेवा करूं। 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे, 1 करोड़ लोगों को पेंशन, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निःस्वजनों को दे रहे हैं। अभी तो श्रीगंगानगर में कांग्रेस का जिला स्तरीय कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं, और कई बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दौरान कही। उन्होंने राहुल गांधी पर भी कहा कि जिन एजेंडे को लेकर यात्रा शुरू की गई है, उसमें देशवासियों का अपार जन समर्थन यात्रा के दौरान मिला है राहुल गांधी को, और महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, और इसी के चलते अब कांग्रेस
जन जन तक, प्रत्येक नागरिक के घर तक पहुंचने के लिए हाथ से हाथ जोड़ अभियान 26 जनवरी से शुरू करने जा रही है।